हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफाई बाय प्रिया। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है प्रिया और आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये 5 मिनट्स इजी पीजी लुक। बिलीव मी गाइस, दिस विल टेक ओनली 5 मिनट्स। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए एक लाइट ब्लू आई शेडो, एक डार्क ब्लू आई शेडो और एक लिक्विड ग्लिटर आई शेडो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बनी बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले तो मैं करूंगी अपनी आईलिड्स को कंसील यूजिंग स्टेकवेयर की हाइड माय हिकी कंसीलर। कंसीलर लगाने से हमारी आईज ब्राइटन अप होती है और हमें मिलता है एक क्लीन बेस हमारे आई शेडोज को प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ बेला वोस्टे की आईब्रो पेंसिल और इसके बैक साइड में मुझे मिलती है एक स्पूली अपनी आईब्रोज को कॉम्ब और शेप करने के लिए। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने आईब्रोज को शेप कर चुकी हूँ। कंसीलर को अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। अपनी आईज की कॉर्नर से लेकर आईब्रो तक टेप का यूज करूंगी। इस टेप की प्लेसमेंट काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप अपना टाइम लेके टेप की प्लेसमेंट सही से करिए। अब मैं यूज कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर। इसकी जगह आप अपना कोई भी काजल यूज कर सकते हैं। बेस पे काजल लगाने से हमारा आई शेडो का कलर और भी इंटेंस आएगा। ये आई शेडो ब्रश भी मैंने amazon.com से लिया था, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेज का 35 कलर आई शेडो पैलेट और उसमें से ये नेवी ब्लू शेड को लेकर मैं अपनी काजल के ऊपर ही प्लेस कर लूंगी इस कलर को। अब इस रॉयल ब्लू शेड को लेकर जहां मैंने नेवी ब्लू शेड लगाया था उसके ऊपर प्लेस करूंगी, क्योंकि ये आई लुक 5 मिनट आई लुक है तो इसलिए मैं अपनी आईज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ। और अब मैं ये शिमरी शेड को लेकर अपने इनर कॉर्नर में लगा लूंगी। अब मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेटालिक लिक्विड आई शेडो और मैं यूज कर रही हूँ शेड नंबर 2 डायमंड डस्ट। और अब इस आई शेडो को सेंटर ऑफ द लिड पे लगा लूंगी और अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड आउट कर लूंगी। सेम शेड्स रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू शेड को लेकर अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूंगी। अपनी आईज को और भी ब्राइट और ओपन दिखाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्रो हाइलाइटर और उसके बाद मैं लगा रही हूँ मेबेलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा। मस्कारा हमें अपनी अपर लैशेस प्लस लोअर लैशेस दोनों पे लगाना है, तो भर भर के मस्कारा लगाइए। मैं यूज करूंगी पैक का लैश ग्लू अपनी फॉल्स लैशेस को अटैच करने के लिए। मैं इस लैश ग्लू को अपनी लैश लाइन पे ही लगा लेती हूँ और 15 टू 20 सेकेंड्स वेट करके अपनी लैशेस, जो कि आज मैं यूज कर रही हूँ ब्रॉन्सन लैश M72 को लगा लूंगी। फॉल्स लैशेस हमारे लुक को एक लेवल और ऊपर ले जाती हैं, तो अगर आप भी लैशेस लगाना चाहते हैं तो आप पैक का लैश ग्लू और ये ब्रॉन्सन आई लैश परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ जॉनसन बेबी का मॉइस्चराइजिंग लोशन और इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से पैट पैट करके लगा लूंगी। और अब मैं यूज कर रही हूँ स्टे क्वेरी का प्राइमर। प्राइमर हमारे पोर्स को फिल कर देता है, साथ ही फाइन लाइंस को भी छिपा देता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, इसलिए हमें प्राइमर यूज कर लेना चाहिए।
प्राइमर्स का यूज आप डेली बेसिस पे मत करिएगा, सिर्फ स्पेशल ओकेजंस पर ही प्राइमर का यूज करिएगा, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। ज्यादा प्राइमर्स का यूज करेंगे तो हमारे पोर्स ओपन ही रह जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। आज फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, और इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से डॉट कर लूंगी। पहले फाउंडेशन को अपने फेस पे डॉट करके लगाने से प्रोडक्ट वेस्टेज कम होता है और ये इवनली हमारे फेस के सभी जगह सारे पोर पार्ट्स में इजीली लग जाता है। इस तरह से फाउंडेशन लगाने से हमारा मेकअप केकी भी नहीं लगेगा। अपनी नेक एरिया और ईयर्स को कभी भी मत भूलिएगा, यहाँ पर भी फाउंडेशन जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये भी हमारे फेस का पार्ट होती है। अब मैं यूज कर रही हूँ पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। इस स्पॉन्ज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अपने फेस को क्रीम कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ NYBA का कंसीलर इन द शेड टॉफी। अपने ईयर्स से नीचे आपको एक स्लंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और वो सारी जगह जहाँ आप उनको छोटा दिखाना चाहते हो आपको लगाना है ये कॉन्टोर, और सेम स्पॉन्ज का यूज करते हुए इसको ऊपर की साइड ब्लेंड कर लेना है और जॉ लाइन वाले कॉन्टोर को नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। अब मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूंगी लैक्मे परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर से। पाउडर लगाने से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और होल डे हमारा मेकअप वैसा का वैसा ही बना रहेगा, तो इसलिए आप अपने फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करना ना भूलें। अपने फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए हमें करना होता है ब्रॉन्जिंग, और यहाँ मैं आपको तीन ऑप्शंस दे रही हूँ अपने फेस को ब्रॉन्ज या कॉन्टोर करने के लिए। आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का यूज करते हुए अपने फेस को कॉन्टोर कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हमने क्रीम कॉन्टोर किया था उसी के ऊपर हमें ये कॉन्टोर पाउडर लगाना है, ताकि हमारा कॉन्टोर भी सेट हो जाए और गर्मी या ह्यूमिडिटी में मूव ना करे। रोजी पिंकी चीक्स तो सभी को पसंद होते हैं, तो इसलिए आप यूज कर सकते हैं आइकॉनिक ब्लश पैलेट या फिर सिवाना का ये बेक ब्लश पैलेट। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सिवाना का बेक ब्लश पैलेट अपने चीक्स में और भी ब्लश इफेक्ट देने के लिए। ब्लश गिव्स अ सेंस ऑफ अ हेल्दी स्किन, तो इसलिए आप ब्लश लगाना कभी ना भूलें। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ NYBA का ब्लिंकिंग आई शेडो, और आप सिवाना कलर्स का बेक ब्लश पैलेट से भी ये सिल्वर कलर का यूज कर सकते हैं टू हाईलाइट योर फेस, तो आप अपना पॉकेट के अकॉर्डिंग हाईलाइटर चूज कर सकते हैं। कॉन्टोर ब्लश और हाईलाइट का डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आपको इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने ऑलरेडी लिप बाम लगा रखा था, और यहाँ मैं उस लिप बाम को वाइप ऑफ कर रही हूँ, और अब मैं लगाऊंगी मिस क्लेयर का ग्लिमर स्टिक इन द शेड मलबेरी, और आपको इस तरीके से फेस बना के अपना क्यूपिड्स बो फाइंड आउट करना है, बेसिकली एक क्रॉस टाइप का बनाना है आपको अपने लिप्स पे। अगर आपके लिप्स भी थिन है तो आप लिप लाइनर का यूज जरूर करें। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ नायका की मेटलिशियस लिप क्रेयॉन, और मेरा शेड है जेड रोज, और ये एक बहुत ही प्यारा मॉवी ब्राउन शेड है। मैंने इसको नायका के सेल में परचेज किया था, तो आप भी सेल का वेट कर सकते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बनी बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आई होप आपको मेरा ये 5 मिनट आई मेकअप ट्यूटोरियल यूजिंग ब्लू कलर पसंद आया होगा। अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूलिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सौंदर्य
07005 मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।